इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज़, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। जनाब कल फौज वहां पहुंच जाएगी तो आप देखेंगे फौरन। और हिलाली साहब, आपको ताजा तरीन बता दूं, अल अरेबिया टीवी के मुताबिक तो जंग बंदी की जो कोशिशें हैं वो शुरू हो गई हैं और जल्दी उसका नतीजा आ जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर ये फौज क्या कर देना तो अभी किसी कोशिश के बगैर जंग बंद हो सकती है। चलिए जनरल साहब से इस पर राय लेते हैं। जनरल साहब, आपके नजदीक ये जो 40 मुल्कों की फौज का इत्तेहाद बना है, जनरल राहील शरीफ इसकी क्यादत कर रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि इसका कोई अमली किरदार भी इसमें हो सकता है? और खास तौर पर जो एक और पॉइंट इमरान साहब ने उठाया वो ये कि अरब ममालिक जो है उनको भी नजरसानी नहीं करनी चाहिए इसराइल पर ताल्लुकात के हवाले से। कि पहले तो फौज के बारे में यहाँ पे बेहद गलत फहमी है, लोगों को कुछ इल्म नहीं। हालांकि बड़ी दफा ये वादे किया जा चुका है, बताया जा चुका है कि फौज नहीं है वहां पे, कुछ भी नहीं, एक आदमी भी नहीं है। वो एक हेडक्वार्टर है, एक स्ट्रक्चर है और एक इंटेलिजेंस कलेक्शन सेंटर है, एक ट्रेनिंग सेंटर है वहां पे और एक ऑर्गेनाइजेशन जिससे वो ये कहते हैं कि ये इस्लामिक जितने भी 40 मुल्क हैं जो मेंबर हैं उनके वज़राए दिफा की एक काउंसिल, दिफाई काउंसिल उसका नाम है, वो बनाई गई है। लेकिन वो उस वक्त इकट्ठी होती है जब कोई इशू हो तो उनको वज़राए दिफा सारे वहां जाएं और उसका इजलास अटेंड करें। तरीकाकार ये है कि जिस भी मुल्क में कोई दहशतगर्दी का वाकया होता है, मिसाल के तौर पे नाइजीरिया में होता है, नाइजीरिया रिक्वेस्ट करेगा इनको सऊदी अरेबिया में इस हेडक्वार्टर को कि हमें, हम अपनी फौज से ये दहशतगर्द जो लोग हैं यहाँ पे उनको नहीं निपटा सक रहे, हमारी मदद की जाए। वो उनकी रिक्वेस्ट है, वो जो 40 मेंबरों की वो वजारत वजीर दिफा की जो काउंसिल है उसके सामने रखा जाएगा और वो यकीन करेंगे कि वाकई ये कोई अपने सियासी हरीफों को तो नहीं मारना चाहते। अगर वाकई दहशतगर्दी है तो फिर वो अंदाजा करेंगे कि इसके लिए कितनी फोर्स चाहिए और वो मेंबर मुल्क जो है वो वॉलंटरीली उस पर फोर्स देंगे। ये यूनाइटेड नेशन की पीस फोर्स वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक। फिर आप अपने, आप कहें जी पाकिस्तान इतने ट्रुफ देता है, फलाना इतना देता है, उसकी यूनिफाइड कमांड बना के तो जिस मुल्क ने रिक्वेस्ट की है उसकी रिक्वेस्ट को ऑनर करने के लिए वहां भेजी जाएगी। ये एंटी टेरर और स्ट्रक्चर इसका वहां पे फिजिकली कोई मौजूद नहीं है। ये रिक्वेस्ट किसी की आए तो उसके ऊपर ये उसके ऊपर फॉर्म किया जाता है। जनरल साहब एक बात सिर्फ मैं जानना चाहूंगा, बिल्कुल आपने ठीक कहा, अच्छा हुआ प्रोसीजर भी पता चल गया, लेकिन क्या इस तरह की हंगामी सूरत हाल में उसी रिक्वेस्ट का इंतजार किया जाएगा, मासूम निहत्ते फलस्तीनियों को उसी तरह मरने दिया जाएगा या इस्लामी मुल्कों पर खुद भी उस ऑर्गेनाइजेशन पे खुद भी कोई ये इखलाकी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो खुद भी इस पे कोई एक्शन ले सके? देखिए ना, ये तब सूरत हाल हो अगर इस फोर्स को इस तरह की किसी सूरत का मिशन कभी दिया गया हो, उनको यही जो मैंडेट है जिसपे इन मुल्कों ने दस्तखत किए हुए हैं, जिस चीज के तहत जो एग्रीमेंट हुआ हुआ है वो यही है कि किसी मुल्क में टेररिज्म अगर होगा और वो 40 मेंबर मुल्कों का, ये सिर्फ मेंबर मुल्कों का है, उससे बाहर किसी और मुल्क का नहीं। अगर मिसाल के तौर पे इंडोनेशिया इसका मेंबर नहीं है तो इंडोनेशिया रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकता। तो मेंबर मुल्कों में से ही अगर कोई रिक्वेस्ट करता है तो उसकी रिक्वेस्ट को भी इवेल्युएट किया जाएगा, वो इजलास होगा डिफेंस मिनिस्टर्स का और उसमें देखा जाएगा कि रिक्वेस्ट उनकी जायज है, अगर है कितनी फोर्स चाहिए और जो फोर्स है वो वॉलंटरीली। और जनरल साहब, इस तरह की अगर वैसे बना ही ली जाए, ये भी सजेशन भी तो आ सकती है ना कि एक मुस्लिम फौज बना ही लें, है ना? देखिए जी, वो बिल्कुल है, अगर आप कोई इस तरह का कुछ करना चाहें तो बिल्कुल उस पर भी सोचा जा सकता है, लेकिन अभी जो सूरत हाल है वो एक एग्रीमेंट जिसके तहत ये 40 मुल्कों को उसके अंदर ही चलेगा। ठीक है, बिल्कुल मुख्तलिफ चीज है तो हमें समझना चाहिए। मैं बड़ा सोशल मीडिया पे जरूर अक्सर देखता हूँ कि लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, इस पे लिख रहे हैं, वो गालबन लोगों को वाजे नहीं है कि ये क्या चीज है। अच्छा जनरल साहब, ये समझ रहे जनरल साहब, ये भी जरा समझा दीजिएगा कि इसराइल जो कुछ कर रहा है क्या इससे बड़ी को दहशतगर्दी हो सकती है? देखिए, ये आप और मैं समझते हैं कि ये दहशतगर्दी है, लेकिन इंटरनेशनली आप अगर आप चेक करें, मैं समझता हूं कि
ये ज्यादा समझने की बात यही है। वैसे तो टेररिज्म की आज दिन तक कोई डेफिनेशन नहीं बन सकी ऐसी जो सब तस्लीम करते हों, लेकिन इसराइल के जितने भी काम है वो उसने टेररिस्ट एक रियासती दहशतगर्दी की है, लेकिन इंटरनेशनली उसको कभी टेररिज्म नहीं माना गया। सर मैं तो जनरल सर ये है कि आज अगर आप कुछ एक्शन करने लगे तो फौरी तौर पे आप देखेंगे कि यूनाइटेड नेशन का इजलास अमरीका के कहने पर हो जाएगा, यूनाइटेड नेशन उनको ऑथराइज कर देगी कि जनाब ये जो फोर्स आप भेजने लगे वहां पे उसके खिलाफ इंटरनेशनल फोर्स एक्शन करे, और इंटरनेशनल फोर्स वही मगरबी दुनिया की बन के आ जाएगी जैसे नेटो वगैरह मिल मिला। लेकिन अगेन फिर वही बात है ना कि जब अमेरिका ही उनके साथ खड़ा हो जाता है तो फिर हर जगह पे उनको सपोर्ट मिल जाता है। समीना हिलाली साहब बात कहना कि देखिए इन चीजों में बात यह है कि ऑप्शंस और भी होनी चाहिए, और वो ऑप्शंस जो है वो मैं समझता हूँ कि मगरबी दुनिया के साथ आप बहुत सारा कुछ और ट्रीटमेंट कर सकते, जैसे अभी आपने कहा कि जिन मुल्कों ने रिकग्नाइज किया उनका रिएक्शन वो बिल्कुल उनको चाहिए कि वो रिकग्निशन अपनी खत्म कर दें, अगर वाकई उनको थोड़ा कोई कल को उनको भी जरूरत पड़ सकती है कि इस्लामी दुनिया उनके साथ खड़ी हो, ठीक है मुस्लिम मुमाना गए लेकिन इस्लामी ममालिक मौजूद हैं, तो अगर कल को सऊदी अरेबिया चाहे या यूएई चाहे कि उनके साथ खड़े हों तो लोग उस वक्त इनको धत्कार दें कि जनाब आपने उस वक्त आपका क्या एक्शन था। तो आपने बड़ी अच्छी पॉइंट रेज किया, यही मैं हिलाली साहब की तरफ भी लेके जाऊंगा, मैं अपना सवाल भी शामिल कर दूं। हिलाली साहब मुझे तो फिर ये लगता है कि ये जो मुस्लिम उम्मा या इस्लामी ममालिक ये फोर्स ये सारी एक जो है ना शपशबा है सिर्फ दिखाने के लिए, अमलन ये कुछ नहीं कर सकते, अमलन हम सिर्फ अमेरिका से यूनाइटेड नेशन से वेस्ट से डरते हुए किसी जायज काम में भी अब देखें कि अगर इंटरनेशनली मगरबी दुनिया अगर उसे दहशतगर्दी नहीं मानती तो हम भी उसे दहशतगर्द नहीं मानेंगे। आप इस पर क्या समझते हैं, वाकई ऐसा ही है, हमें खुद भी कुछ स्टैंड लेना चाहिए? देखिए ये बड़ी वाज़े बात ये है कि जो जर्मन चांसलर ने जो कहा है, जो अमेरिका का प्रेसिडेंट ने जो कहा है, ये सब नेटो के हैं और ये सब मिलके ये किया कहा है उनको, और ये ऐसा ही होता रहता है भाई, इस पे बात करना ही फजूल है मेरे ख्याल में, बिकॉज दे एक्ट टूगेदर, दे आर यूनाइटेड, और ये सब चीज इसराइल को पता है, एक्शन लेने के पहले पता चल गया है उसको कितने दिन उसको मिलेंगे और उनका क्या स्ट्रेटजी होगा। अब आप एक मिनट, एक मिनट, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि एक चीज है जो जरूर कर सकते थे, जो हम भी कर सकते थे, जिस पे फर्क पड़ता मगर हमने नहीं किया, बल्कि कोई नहीं किया, और वो क्या था कि जब एक पावर अमेरिका के तरह सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग को वीटो करता है और कहता है नहीं, और टाइम खरीदता है, एक और प्रोसीजर है यूनाइटेड नेशंस में, और वो प्रोसीजर है यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन, जो इस मामले को आप जनरल असेंबली को ले जाएं और फिर जनरल असेंबली बाय मेजॉरिटी वोट एक्सेप्ट करेगा कि इस पे डिबेट हो, और जब वो एक्सेप्ट करेगा डिबेट हो तो फिर जनरल असेंबली में डिबेट होगा। मैं नहीं कहता इसका मतलब यह है कि उनके किसी के फौज पहुंच जाएंगे उनको बचाने के लिए, मगर कम से कम, कम से कम, हालांकि ये इसराइल को इसको भी परवाह नहीं है, वर्ल्ड ओपिनियन, सब लोग वोट करते, और ये जो जनरल ने कहा था ये सही बात है, ये लोगों ने जो तस्लीम किया है इनको, इन्होंने मदद की है, इन्होंने नेतन्याहू को इनकरेज किया है इस किस्म से एक्शन से, अगर वो नहीं करते तो शायद। तो गाइज ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो आपने देखा दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया का फ्रस्ट्रेशन लगभग एक हफ्ते से पागलपन के पार निकल चुका है, और अब ये ऐसी ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं वो तो आपने वीडियो में सुनी। उससे पहले बात करते हैं दोस्तों, ये आप ट्वीट देख रहे हैं हसन सास का, ये यूएई के हैं, ब्लूटेक है इनके पास, ये वहाँ पर पता नहीं क्या फॉरेन पॉलिसी वगैरह जो भी कवर करते हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन ब्लूटेक है और इनके अच्छे खासी फॉलोइंग है। तो ये यूएई के हैं, इन्होंने बोला था, ट्वीट किया था, हु ब्रॉट दिस इनसाइड द होली अलास्का मास्क, मतलब इनका टारगेट ये था कि ये पत्थर मास्क मस्जिद के अंदर कौन लाया। बेसिकली ये ईद के पहले, आपको बता दें, जो फिलिस्तीनी नागरिक थे वो नमाज़ पढ़ने से पहले मस्जिद के अंदर पत्थर लेकर गए, और उस हुआ क्या, उसके बाद नमाज़ पढ़ने के बाद इन्होंने पत्थर इजरायली फोर्सेस पर मारे, जिसके बाद से ये सब जो भी हो रहा है वो हुआ शुरू। तो गाइज़ ये रीज़न था मेन,
लेकिन बेसिकली ये ईद के पहले ही क्यों हुआ, और ये ऐसा पहले कई बार हो चुका है। फिलिस्तीनियों का जो आंदोलन था वो बिल्कुल गढ़ चुका था, ख़त्म हो चुका था, उसको एक बार फिर से नया जीवन देने के लिए, नया मतलब एक प्रकार से आग देने के लिए उन्होंने इस तरीके का काम किया, और जिससे कि अब आप देख सकते हो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका भी, टर्की, ईरान, यहाँ के मुस्लिम काफ़ी ज़्यादा मतलब इससे पागल हुए पड़े हैं, और बस फ्री फिलिस्तान, ये वो जवान फलाना ठिकाना, जो जो ट्वीट कर रहा है आप देख सकते हो। तो गाइज़ ये कंडीशन है, पाकिस्तानी मीडिया तो आप देख रहे हो क्या क्या डिस्कस कर रहा है, कहीं मुस्लिम फोर्स, कहीं ये, कहीं वो, हमें मुस्लिम फोर्स बनाकर 40 मुस्लिम फोर्स, कल परसों के वीडियो में मैंने डाला था उसमें न्यूक्लियर बम फेंकने की बात कर रहे थे इज़राइल पर, अपनी मिसाइल की टेस्ट कैपेसिटी देख रहे थे, रेंज देख रहे थे कि वो इज़राइल तक पहुँचेगी या नहीं। इस तरीके की पागलपन भरी बातें पाकिस्तान में हो रही हैं। आपको भी पता है कि ये लोग घंटा कुछ नहीं कर सकते इज़राइल का, इनकी औकात नहीं है, इनकी तो क्या, इनके साथ जो टर्की है वो मिल जाए और ईरान भी मिल जाए तो ये लोग कुछ नहीं करेंगे, और अरब देश चाहते हैं कि ये लोग मिलें और इसराइल से एक बार भिड़ें और ऐसा सुटारा लें, उसके बाद ये लोग जितना भी उड़ते हैं, अरब देश तो बेसिकली आपको पता है वो तो टर्की से उनके किस तरीके के रिश्ते हैं, पाकिस्तानियों को तो वो अपना ग़ुलाम समझते ही हैं, ईरान से तो उनकी कभी बनी नहीं है, तो अरब देश इस मामले में बिल्कुल भी मतलब रिएक्ट ही नहीं कर रहा है, वो तो सीधा बोल रहे हैं कि पॉलिटिकल तरीके से इसराइल और फिलिस्तीन इस मामले को सही करें, लेकिन वो जंग वंग के पक्ष में नहीं है। तो इस तरीके की सिचुएशन बनी हुई है गाइस। लेकिन इसराइल को लेकर पाकिस्तान, ईरान और स्पेशली टर्की, टर्की के पास है कुछ नहीं, लेकिन अपने आप को पता नहीं वही हिस्ट्री का मुस्लिम उम्मा समझकर खलीफा बनने के चक्कर में ये लोग उड़ रहे हैं। तो भाई करो ना, टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, करो जल्दी, लो एक्शन, दम है तो करो, फटाक से भेजो अपनी फ़ौज इसराइल, फिलिस्तीन, जो भी जहाँ पर भेजना है, मज़ा आए हम लोग को देखने के लिए, आपकी हमें औकात पता चल जाए। तो दोस्तों ये मतलब आप समझ सकते हो, और जॉ बाइडन ने भी खुलकर बोल दिया है कि इसराइल को अपना डिफेंस करने के लिए जो भी करना है वो उन्हें पूरा उसका हक है। तो आप समझ सकते हो गाइस सिचुएशन ये बन चुकी है, मतलब अब होगा क्या वो तो आने वाले समय में पता चल जाएगा। वैसे होगा क्या, जो हर बार होता है, सीधा सा नॉर्मल सा फिलिस्तीनी मारे जाएंगे और आराम से ये मामला सेटल हो जाएगा और दुनिया चुप रहेगी, यही होगा और कुछ नहीं होगा, और फिलिस्तीनी फिर कुछ दिन बाद रॉकेट बनाएंगे और फिर हमला करेंगे, फिर यही होगा, फिर कहानी वही जाएगी, फिर ख़त्म हो जाएगा। तो गाइस ये वीडियो यहाँ पर होता है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को